क्योंकि आकलन करने का मौका है लोगों का, जो ये वायदा करके जो सरकार आई हरियाणा में भी देश में भी, कितने वायदे पूरे करे आप सब लोग सवाल पूछेंगे इनसे, कहाँ स्वामीनाथन का वो मरमुला गया, कहाँ गरीब आदमी के लिए गया, कहाँ रोजगार देने का वायदा गया, कहाँ 15-15 लाख गए, सब सवाल होंगे। चुनाव शुरू होने दो, अरविंद केजरीवाल से थोड़ा ही करेंगे को हरियाणा में पार्टी स्वयं में सक्षम है, कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, बाकी राष्ट्रीय पार्टी हमारी राष्ट्रीय स्तर पे किसी राष्ट्रीय पार्टी से बात हो उसका असर जरूर पड़ता है, लेकिन खुद को हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है, खुद में स्वयं में सक्षम है पार्टी। हाँ तो ये बात करी थी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो ना, तो अभी फुलगामा आरिफ की बात करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी दो नीति, एक राष्ट्र नीति होती है, जब राष्ट्र नीति का सवाल होता है सारा दल और सब एक होते हैं, जो हमारे शहीद जवान हैं वहाँ शहीदी दे रहे हैं, तो राष्ट्र नीति के अनुसार उस पर राजनीति नहीं होती उनकी शहीदी पर, वो तो सबके लिए है, वो कोई एक दल या एक विशेष सरकार के लिए नहीं शहीदी, वो तो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में मुद्दे हैं, किसान आज बर्बादी के कगार पे है, और आपका जो गरीब आदमी जिसे हमने 3,82,700 गज के प्लॉट दिए थे, आज 5 साल इस सरकार को होने को है, एक गांव का हर एक आदमी का नाम बता दें तो किसके कितने मकान बनवाए, कर्मचारी आप देख रहे हैं सड़कों पर ही बैठे रहते हैं, कितने 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी निकाल दिए, और व्यापारी कभी नोटबंदी कभी GST, वो कह रहा है मेरा मुनाफा तो क्या दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूँ, तो कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब विमुख हो चुके हैं, और कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियाँ उठी हुई हैं, रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, हम ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल, कोई कुछ करके चले जाओ, कोई वो नहीं है। सर आप लोकसभा चुनाव लड़ोगे? इरादा तो नहीं है, लेकिन पार्टी कोई आदेश करेगी तो देखेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा होता है क्या वायदा किए लोगों से किए, ये तो क्योंकि इनके पैर कमजोर हैं राजनीति में, ऐसे मुद्दे टोटल वोट टोटलते हैं, ऐसे आपस में भिड़ाव करके कहीं धर्म के नाम पर कहीं जात के नाम पर, अब लोग समझ चुके हैं इनको, लोगों का हरियाणा भाईचारा मजबूत है और वो इस बात को समझते हैं, कोई भी ताकत इनका भाईचारा तोड़ नहीं सकते, राहुल गांधी नेतृत्व में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे।